प्रयागराज में इन दिनों जैसे आसमान से आग बरस रही है। तेज चिलचिलाती धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। पारा 42 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। लोग गर्मी और धूप से बचने के लिए अपने मुंह को ढक कर चल रहे हैं और पानी से मुंह धो रहे हैं। गर्मी के कारण लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। लोग ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग भी गर्मी से बचने के लिए कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। लोग जरूरी काम से ही सड़कों पर निकल रहे हैं। अभी तक अप्रैल के आधे महीने में लोगों का ये हाल है। जब मई और जून की गर्मी आएगी तब लोगों को ये गर्मी कितना परेशान करेगी, इस बात से लोग परेशान हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अप्रैल और मार्च में इतनी गर्मी इस समय है कि मई जून में और ज़्यादा क्या होगा। हम लोग बहुत अर्जेंट काम होने के वजह से रूम से बाहर निकले हुए हैं, नहीं तो इतनी गर्मी है कि सब चमड़ी जल जा रही है। इतनी हम लोग जरूरी काम से पेड़ के छाँव के नीचे नीचे रुक रुक कर जा रहे हैं। मई जून में हम लोगों की बहुत हालत बहुत ख़राब हो जाएगी गर्मी ऐसी बढ़ती है। आग बरस रही है? हाँ, आग बरस रही है। बहुत लग रहा है कि एकदम आग के लपटे चारों तरफ से चल रही हैं। गर्मी अब की वक्त के पहले आ गई और कुल मिला के इतनी गर्मी है कि जैसे सर फटे जा रहा है। और स्टार्टिंग में ही ये लग रहा है कि आगे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है और मुंह सूखता रहता है। गर्मी का मतलब आदमी बेहाल है, त्रस्त हो गया है कि क्या करें। सूरज की इस तपिश और मौसम के बदले हुए मिजाज ने प्रयागराज के लोगों को अप्रैल के महीने में ही बेहाल कर दिया है। सूरज के तीखे तेवर और लू जैसे चलने वाली गर्म हवाओं के बीच पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने प्रयागराज को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों का मानना है कि जब अप्रैल में ही तापमान 42 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुकी है तो मई और जून में क्या होगा। आसमान से पूरे आग बरस रही है, अब देखिए क्या होगा आने वाले समय में। गर्मी में आदमी बहुत परेशान है। कैसे बच रहे हैं? पानी पी रहे हैं? पानी पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, और मुंह सूखता रहता है। जैसे लू चल रही है, अभी से ही आलम है कि लू चल रही है। जयंती गर्मी है।